पनपने वाले अतिक्रमण प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा ही है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद जिम्मेदार अधिकारी जागे और पहलवान बाबा की दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर महीनों से अतिक्रमण हो रहा है। जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हुई तो उद्योग विभाग के अधिकारी हरकत में आए और जिला प्रशासन के अमले के साथ अतिक्रमण हटाने पहुँच गए। अमले के आगे अतिक्रमणकर्ताओं की एक न चली और जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाया गया। करीब 30 अतिक्रमण हटाए गए, वहीं शेष को 8 दिन का समय दिया गया। मुहिम में नायब तहसीलदार पूजा भाटी, उद्योग विभाग के प्रबंधक महेंद्र नागराज सहित पटवारी भी साथ थे। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर सालों से कब्जा हो रहा है, जिसकी उद्योगपतियों ने भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन विभागीय जिम्मेदार चुप्पी साधे रहे। चूँकि सीएम हेल्पलाइन का मामला था, इससे उद्योग विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाया। सड़क पर कचरा गंदगी फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है। निगम अमला जब कार्रवाई करने पहुंचता है तो विवाद की स्थिति भी बन जाती है। शनिवार को निगम अमला घास बाजार क्षेत्र में पहुंचा तो आक्रोशित नागरिकों ने अभद्रता की। विवाद की स्थिति बनते ही नगर निगम कर्मचारियों ने मौके पर पुलिस बल बुलवा लिया। पुलिस विवाद कर रहे नागरिकों को पुलिस थाने लेकर पहुंची, जहां फिर विवाद हो गया। बाद में निगम ने नागरिकों के माफी मांगने पर 5,000 रुपए का चालान बनाकर समझौता कर मामला शांत किया। स्वच्छता प्रभारी एपी सिंह ने बताया, यहां पे हमारे नगर निगम की स्मार्ट फाइंड की जो टीम है, स्मार्ट फाइंड कर रही थी बाजार में, तो इनके घर के सामने भी कचरा फैला रखे थे। जब ये लोग रसीद काट रहे थे तो ये लोग एकदम से दादागिरी पे उतारू हो गए और अभद्र व्यवहार करने लगे। हमारे कर्मचारी और पुलिस को खबर करके और पुलिस बुलाए और इनको माणक चौक थाने ले गए। माणक चौक थाने में जाने के बाद इन्होंने इन सब हमारे कर्मचारियों से माफ़ी मांगा है, 5,000 का स्पॉट फाइन भी करवाया है और भविष्य में इस प्रकार कभी भी कचरा नहीं फैलाएंगे, स्वच्छ रखेंगे और किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, ये सभी ने लिख के दिया है और लिखित में माफ़ी सार्वजनिक रूप से मांगा है। इस आधार पे हम इनकी 5,000 का स्मार्ट फाइन करके और सभी सदस्यों अपने कर्मचारियों के साथ में और इनको छोड़ रहे हैं। हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए सेलाना के रहवासी सड़क पर उतर गए हैं। दिलीप मार्ग स्थित नागबाऊजी की होटल से कमलेश्वर डोडियार के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली में आदिवासी युवा नारे लगाते हुए चल रहे थे कि मुकेश नीनामा के हत्यारों को फांसी दो। यह रैली पैलेस चौराहा से सदर बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां पर थाना प्रभारी दलसी परमार को ज्ञापन सौंपा गया। बाद में यह रैली अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम कामनी ठाकुर को मुकेश नीनामा के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमने सर एक ज्ञापन दिया है माननीय गृह मंत्री महोदय के नाम पे, उसमें हमने मांग ये की है कि हमारे एक आदिवासी समाज से हमारा एक साथी भाई था मुकेश नीनामा करके बडली पड़ा गाँव का, तो उसका मर्डर किया है। यहाँ सेलाना में बीजेपी की पार्षद है, उसके बेटे ने, तो बीजेपी के पार्षद ने मर्डर करवाया हमारे आदिवासी भाई का, तो उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन करते हुए प्रोटेस्ट मार्च करके हमने यहाँ पर सीएम साहब के नाम, गृह मंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि इनकी हत्या करवाने वालों की बहुत जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। शीत लहर में मुसाफिरों और निराश्रितों के सामने संकट खड़ा होने लगा है। एक तरफ रेन बसेरा में ताला होने और फिर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं होने से रात गुजारनी टेढ़ी खीर साबित हो रही है, जो सरकारी योजनाओं निगम की पोल ही खोल रही है। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि लोगों को रात काटने के लिए लकड़ी बिनकर लानी पड़ती है, फिर अलाव जलाकर रात गुजारनी पड़ रही। बावजूद इसके अब तक निगम के जिम्मेदार जागे नहीं, बेसहारा बताते हैं। ये तो मेरी ठंड लग रही, तो अपने को बीन के लाया हूँ मैं। कहाँ से बीन के लाया हूँ? इधर लल्ली सदर को गलत पीछे इधर। अच्छा, अभी आपको नगर निगम वगैरह तरफ से कोई लकड़ी वगैरह मिल रही है? नहीं मिल रही। नगर निगम की तरफ से आपको कोई लकड़ी वगैरह मिल रही थी? नहीं मिल रही, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वैसे तब पे हम आठ दिसंबर 1947 को मेवात में रोका गया पलायन मेवात दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेवात दिवस पर मेवाती समाज ने समाज के वरिष्ठों का इस्तकबाल कर आयोजन किया। महापौर पद का आरक्षण होने के बाद भाजपा में दावेदारी शुरू हो गई है।
इन दावेदारों में एक अच्छे चेहरे को चुनावी मैदान में लाना भाजपा के लिए चुनौती ही है। भाजपा नेता सलीम मेओ भी एक ही चेहरा है जो लंबे समय से पार्टी में दायित्वों का निर्वाहन कर रहे हैं, जिन्होंने महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। एन टाइम से हुई चर्चा में उन्होंने कहा है कि पार्टी यदि टिकट देती है तो मेरा लक्ष्य सिर्फ हर वर्ग को साथ लेकर शहर विकास ही होगा। देखिए, अभी हमने ओबीसी की जब सीट हुई है, आरक्षण हुआ है, तो हमने दावेदारी करी है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं और पिछले 28 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय हूं। अनेक प्रदेश स्तर के पद पर रहा हूं, नीचे से मंडल से लगा के, वार्ड से लगा के, तो प्रदेश स्तर तक जो है मैं पदाधिकारी रहा हूं और आगे संगठन को हम जानकारी में दी है। अगर हमको संगठन विचार करता है महापौर टिकट के लिए तो फिर हम दावेदार हैं सर। अच्छा, आप ही पूर्व की बात कर रहे हैं तो आप भी भाषण दे चुके हैं, तो अब जो आने वाला जो चुनाव है इसमें किन मुद्दों को लेकर आपको दावेदारी का प्रस्तुत होती है? अगर आपको टिकट दिया जाता है तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे आप? देखिए, हम शहर के विकास को लेकर, पिछली बार भी हम वार्ड में चुनाव लड़े थे तो उसमें भी हमारा विकास ही सबसे बड़ा एक मुद्दा था और अभी भी हमारा विकास ही मुद्दा रहेगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और हम योजनाओं का प्रदेश स्तर से जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है और जो भी मतलब विकास के कार्य हैं उसको हम पूरा करेंगे। एक ओपिनियन में सामने आया है सलीम भाई के, जो युवा वर्ग है उनकी पसंद पहचान बन चुका है, कार्य क्या कारण है उसका? अब हमने पार्षद में काफी सक्रियता से हमने जो है काम किया है, नगर निगम के सम्मेलनों में भी हमने काफी वार्ड की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है, क्योंकि मेरे वार्ड में काफी अनडेवलप कॉलोनियां हैं जो एक बड़ी समस्या है और इसमें हमने जो है माननीय विधायक महोदय चेतन कश्यप साहब से मिलके उनसे गुजारिश की थी और इसको हमने जो है वैध भी कराने की कोशिश कर दी थी और कॉलोनियां वैध हो चुकी थी, लेकिन बाद में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ये कॉलोनियां जो है वो अधर में लटक गई। वो एक सबसे बड़ा जो है हमारे लिए और हमारे वार्ड के लिए और शहर के लिए एक बड़ी बात है कि 35 से 40 कॉलोनियां, बहुत बड़ी कॉलोनियां वैध हुई थी जो बाद में फिर अवैध हो चुकी है, लेकिन हमारा प्रयास फिर कोशिश जारी रहेगी, माननीय चेतन जी से मिलकर हम जो है इसको फिर प्रयास करेंगे कि कॉलोनियां फिर से वैध हो और लोगों को मूलभूत सुविधा मिल सके। क्या माना जाए कि जो आपका विशेष जो मुद्दा है, आपने जो बताया जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध कराने की, अगर आपको महापौर की दावेदारी का टिकट दिया जाता है तो क्या कॉलोनियों को वैध कराने में आपका क्या योगदान रहेगा? बिल्कुल, हम इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे कि कॉलोनियां वैध हो। जो अवैध कॉलोनियां हैं, बरसों से जो लोग नारकी जीवन जी रहे हैं शहर में अवैध कॉलोनियों के अंदर, उनमें मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है, उसको हम दूर करने का प्रयास पूरा करेंगे।